multi cameras, a stable body up there to you. Welcome in Electrical Mantra. Stay on for more videos. Hello friends, welcome in Electrical Mantra. आपका स्वागत है हमारे चैनल में. मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा और आप देख रहे हैं Electrical Mantra. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों जूल टू वाट कन्वर्जन्स के ऊपर, कि हम जूल से वाट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं या वाट हमें गिवन है तो हम जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर फॉर्मूला आज हम बेसिक कन्वर्जन्स देखेंगे. और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे अपडेट ऑन द बेसिक वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिकल. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका आज का जो टॉपिक है वो है जूल टू वाट कन्वर्जन. तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी. जो हमें पता है जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी जितनी हमारी स्पेंड हो रही है पर यूनिट टाइम्स के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा पावर होता है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी हमारी एनर्जी लग रही है टाइम के अकॉर्डिंग. तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो हमारी ई है दोस्तों वो है एनर्जी, क्या है, एनर्जी इन जूल. जो आपको पता है वर्क और एनर्जी को हम किस में नापते हैं, जूल्स में नापते हैं. तो यहाँ पर जो फार्मूला पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, तो यहाँ पर टी है वो हमारा टाइम इन सेकंड है और ई है जो हमारा वो हमारा क्या है, वो है हमारा एनर्जी. तो यहां से हमारा फार्मूला, हम यहां से वोट आपको पता है वोट में निकालते हैं यहां पर पावर को, और ई को हम जूल्स में निकालते हैं और टी यहां पर सेकंड होता है. तो यहां से हमें जूल गिवन है या फिर हमें टाइम गिवन है और हमें जूल गिवन, तो हम वाट निकाल सकते हैं. अगर वाट और टाइम गिवन है तो हम यहां से जूल्स निकाल सकते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या रहेगा, एग्जांपल मान लेते हैं हम 1400 जूल है और हमारी 50 सेकंड के लिए हमें निकालना है. तो 50 सेकंड के लिए निकालना है, 1400 जूल है, तो हम यहाँ पर P इज इक्वल टू ई अपॉन टी वाले फार्मूले में पुट करेंगे. ई एनर्जी हमारी यहाँ पर कितनी है, 1400 जूल है, तो 1400 और टाइम हमारा कितना गिवन है, 50 सेकंड गिवन है. तो यहाँ से जो हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 28 वोट आ जाएगा. अगर आपको दूसरा निकालना हो, आपको वोट गिवन हो और आपको निकालना है, आपको वोट गिवन है, आपको एनर्जी निकालना है, तो इसी फार्मूले में P इज इक्वल टू ई अपॉन टी, तो यहाँ से जो E की वैल्यू है वो आएगी P इंटू टी, यानी कि वाट इंटू सेकेंड. तो E क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड होता है. यहाँ पर अगर आप एग्जांपल ले, गिवन में अगर 25 वोट मान लेते हैं, आपके पास गिवन है 25 वोट और टाइम है अगर 60 सेकेंड आपको गिवन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हमारा क्या आ जाएगा, आप ऑप्शन आ जाएगा. तो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा जो आएगा वो आएगा 1500 जूल. तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वह जूल टू वाट कन्वर्टर या वाट टू जूल कन्वर्टर के बारे में था. अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो 3 मिनट में आपको यह पता लग गया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मंत्रा. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई वीडियो किसी टॉपिक पे बनवानी है, तो धन्यवाद.